जब भाई साहब ने बोल दिया ये जमीन उनकी है तो क्यों नहीं दे रहा उनको ये जमीन? ये खेती की जमीन मेरी है। ये जमीन तेरी थी मगर अब भाई साहब की है। अगर ये जमीन मैं आप लोगों को दे दूंगा तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं उनको क्या खिलाऊंगा? अगर तूने ये जमीन नहीं दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चाहे तुम लोग मुझे जान से मार दो लेकिन ये जमीन मैं किसी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं होने देगा। जमीन नहीं देगा? नहीं दूंगा। ये जमीन मेरी है, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन ये जमीन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जान तो मैं अब तेरी लूंगा। पकड़ो साले को। क्या राना से डर के भागेगा? राना से डर के तो रोज भी भागती है। छोड़ दे। तुम जैसे असुरों का विनाश करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर अवतार लेता है। मरोगे, सब मरोगे। तुम लोगों ने एक गरीब को सताया है ना, एक गरीब को सताने वाला आज तक ना तो खुश रह पाया है और ना कभी रहेगा। छोड़ दो मुझे। ये बहत्तर अंगूठा काट इसका, ये तो जाएगा नहीं। लगता है इसका अंगूठे से ही काम चलाना पड़ेगा। ए चूजो, क्यों गरीब को सता रहे हो? कौन है? सूर्या। कौन सूर्या? और ये इतने तेवर क्यों दिखा रहा है? सोने के जेवर और सूर्या के तेवर हर किसी को शूट नहीं होते। कमीने, तेरा बाप आ गया। और इसे क्यों बचाने आया है? इन सालों को तो सबक सिखा दिया। वैसे बात क्या थी? बात का तो मुझे पता ही नहीं। साहब, ये भाई साहब के आदमी थे, मेरी जमीन छीन कर ये उसे फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। कितनी जमीन है तेरे पास? 2 किले जमीन है। तो फिर कैसा भाई साहब है, उसके पास 2 किले भी जमीन नहीं है? ये नागेश्वर आधे से ज्यादा गांव की जमीन छीन चुका है सर। माफ कर दो मुझे। आ, 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 आ,
किसी की चाकू की नोक पर, किसी की बंदूक की नोक पर, किसी की फैमिली उठा लेता है सर। ओहो, तो बड़ा गुंडा है साहब। यही गांव नहीं, आसपास के सभी गांव के लोग उसे डरते हैं। बहुत खूंखार है वो अपनी फैक्ट्री लाशों के ढेर पर बनाना चाहता है। सब चीजों के लिए कानून है ना, तो कानून का सहारा लेना चाहिए। साहब मैं गया था, लेकिन नागेश्वर से सब डरते हैं, उसके नाम से कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखता। इसका मतलब तूने ही गलत पंगा ले लिया। सूर्या भाग ले यहां से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। साहब उसका नाम सुन के डर गए क्या? भला मैं क्यों डरूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। फिर जा क्यों रहे हैं? अरे वो मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया ना, इसलिए। साहब साहब सुनिए तो, चमक चल लो, बीच में चलती रहेगी, साइड भी हटेगी। ये चमक चलो नहीं, ये बिजली है साहिब। उफ, मर गया रे। बिजली है या चोटी? ये तो हमारी चोटी है साहिब, हम तो बिजली हैं। दोनों साइड बैठो। दोनों? हम तो यहाँ अकेले हैं। अरे पागल लड़की, मैं तेरी बात करो, एक दूसरी थी चोटी की। ओ साहिब बहुत फनी हो आप। पागल है क्या? साइड हट। बिजली ने कहाँ आपका रास्ता रोका है? ये बिजली जब तक गिरेगी नहीं, तब तक बिजली हटेगी नहीं। खाली फोकट में क्यों दिमाग खराब कर रही है? मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो किस टाइप के हैं आप साहिब? वो सब बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जाने दे। ये बिजली है साहिब, जहाँ भी जाती है बिजली गिराती है। आज आप पर नहीं गिरी तो क्या हुआ, कल आप पर भी गिरेगी। थाना कोतवाली भरतपुर। चल सूर्याज से यही ड्यूटी शुरू। वेलकम सर। कौन हो दोनों?
सर मैं पमी और ये मेरे हस्बैंड डमी। तेरा दिमाग खराब है, उल्टा बोल रही है, हाथ छोड़। मेरा नाम डमी और ये मेरी वाइफ पमी। एक सेकंड, मतलब तो दोनों का एक ही है ना? क्या बात कर रहे हो आप? आप भी सारी लुगाइयों वाली बात कर रहे हो। दिमाग खराब है तेरा। लगी ना मिर्च? मिर्च लगी ना? अरे मर्द का नाम साहब जी औरत से हमेशा पहले ही होना चाहिए। फिर आदमी भी ईसाई होना चाहिए। तुम पागल हो दोनों, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हो। अच्छा छोटी छोटी बात? साहब जी आपकी शादी होगी ना, फिर आपको क्या पता छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी। एक बार शादी करवा लो, सारी बात मोटी मोटी लगन लगेगी आपको, इसके जैसी। अच्छा इतने में मोटी लगने लगी? हाँ तो इसमें पतली कौन सी तू, मोटी 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 मोटी। अरे यार हटो दोनों। तू के डमी डिस्पोजल का मार। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा और मैं तुझे छोड़ दूं। तू हाथ तो लगा के दिखा। मैं क्यों लगाऊं तेरा, तेरे में से बदबू आती है। अच्छा मेरे मतलब बदबू आ रही है, तीन तीन बच्चे पैदा कर दिए, इतनी बदबू आ रही है मेरे मतलब। अरे चुप हो जाओ दोनों यार, कितने लड़ोगे? जाओ डमी चाय लेकर आओ। अच्छा जी ला रहा हूँ। पमी तुम भी नए केस की फाइल लेकर आओ। जी सर। तू तो बोलता था कि इंस्पेक्टर बड़ा दिलेर है। अरे तो मुझे देखते ही खड़ा हो गया। एसआई, ओ एसआई। नागेश्वर के आते बहरा हो गया क्या? अड़बे पीछे काले कपड़े साहब जी। साहब जी हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3। हेलो साहब जी, हेलो हेलो हेलो, नजरे झपकाओ हेलो। अरे साहब जी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो गया? अब क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओहो हो साहब जी, अरे नोनी मन नहीं, इनका एक इलाज है। देखना बहुत दिन के बाद मेरी चित्रा हंसी है। हाँ भाई साहब। जमी जी कौन सा चैनल है? इंस्पेक्टर तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मेरी बेटी पूरे 8 साल 3 महीना और 2 दिन के बाद हंसी है। किसी ने सच ही कहा कि लंबे आदमियों की अकल ना घुटनों में होती है। अरे बेटी इसकी 8 साल बाद हंसी है और किस्मत हमारी अच्छी है। वाह वाह ताली 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 ताली। नाग का काटा शायद एक बार बच सकता है, लेकिन नागेश्वर का एक फुंकारी काफी है तबाही के लिए। मौत से मजाक मत करो इंस्पेक्टर। डमी ये अंकल इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, आखिर ये है कौन? अजी साहब जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं, ये 15 मिनट से एक ही बात की रट लगाओ फिर। नागेश्वर नाम, नागेश्वर नागेश्वर नागेश्वर, ये नाम सुन सुन कर मैं पक गया हूँ। डिटेल दो। एएसआई तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या? तू भी कोई देखने वाली चीज है, अभी 2 घंटे पहले तो तुझे धोया था तो फिर आ गया। ओहो तो तू अपने बाप को लेकर आया है यार डमी। हाँ जी गलती हो गई, बच्चे को मार दिया। इंस्पेक्टर बहुत फुटक रहा है, शायद तू ये भूल रहा है कि इस वक्त तू नागेश्वर के इलाके में है। डमी अजी डर लग रहा है मुझे। नागेश्वर तू भी ये कभी मत भूलना कि तू इस वक्त सूर्या के इलाके में खड़ा है। याद रखना सोने के जेवर और इस सूर्या के तेवर हर किसी को सूट नहीं होते। इंस्पेक्टर अरे हंसना पगली, तू हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। एसआई अबे चुप रहना, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो बेबी मैं क्या बोल रहा था कि सोना सूर्या जल्दी से किसी पे शूट नहीं होते, इसलिए तुझ पर शूट। ओए सोना सूर्या ये क्या है?
हाँ तो जानू मैं क्या बोल रहा था कि तुझ पे सोना भी शूट होगा और ये सूर्या भी। चलो। पम्मी। जी सर। डीजे बुक कर दो। क्यों सर? शादी है मेरी। कब करना है सर? ये तो नागेश्वर ही बताएगा। कर ले, बुक कर ले, लेकिन डीजे नहीं, अपनी मौत की सामग्री बुक कर ले। कर ले। क्या बोला? राणा, पता लगाओ यसाई यहाँ क्यों आया था। भाई साहब, गलती हमारी है ना, हम पहले वाले को मारते वरना वो यहाँ आता। इसको भी मार देते, क्या ये मरेगा नहीं? आपने देखा नहीं, वो रहता भीगी बिल्ली की तरह है और शेर की तरह शिकार करता है। उसको मारना यानी मौत को गले लगाना। सारे एक पुलिस वाले से डरते हो? पुलिस से नहीं, पुलिस की वर्दी के अंदर जो है उससे। सारे चूड़ी पहन के बैठ जा। तो कहाँ है साला, जिंदा तो रहूंगा। आखिर उस इंस्पेक्टर की कुछ ना कुछ तो जरूर कमजोरी होगी। कोड बिजली, वो तो मेरे घर पे भी नहीं चाहिए। हाँ, बिजली को इग्नोर किया, लगता है दोबारा जाकर सो गया। अब कौन है? बिजली। अरे बोला ना नहीं चाहिए। तुम? हाँ मैं। तुम्हारे यहाँ क्या काम है? इतनी खूबसूरत बला से बाहर से नहीं पूछते क्या काम है, अंदर भी बुलाते हैं। समझे साहिब, मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने पास बैठाते हैं, चाय पानी पूछते हैं। पागल खाने से आइए क्या? ऐसे सवाल नहीं पूछते साहिब, किसी को बुरा भी लग सकता है। अच्छा, और तुम ऐसे कैसे किसी के भी घर में घुस सकती हो? आप हो सूर्या, यहाँ के नए एसआई। इसका मतलब तुम मुझे जानती हो? ओहो, तो तुमको नागेश्वर ने भेजा है। बिजली जहाँ पर भी गिरती है अपनी मर्जी से गिरती है। कौन है नागेश्वर? मैं किसी नागेश्वर को नहीं जानती। तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बिजली पीछे पड़ती नहीं है साहिब, बिजली ऊपर गिरती है। और ये बात अलग है कि बिजली अभी तक आप पर नहीं गिरी।
देख ही तो रही हूँ। अरे वो वाला देख नहीं, ये वाला देख। अरे देख ही तो रही हूँ। तू मुझे कंफ्यूज मत कर साहिब, इधर उधर देखोगे तो कंफ्यूज होना तो लाजमी है। तू एक काम कर, तू मेरे घर से जा, मेरे घर से निकल, और आज के बाद यहाँ पर मत आना, समझी? साहिब छोड़िए। विजेंद्र जी, जमीन मिल जाएगी, फैक्ट्री लगाने की तैयारी कीजिए। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। यार मुझे भी तो तैयार करो। इंस्पेक्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए राणा, ढंग से बैठ। पिछवाड़ा जमीन पर होना चाहिए। क्या यार नागेश्वर, लोगों को तमीज नहीं है, ना उठने की, ना बोलने की, ना बात करने की। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आए? हाँ, ये ना अपनेपन वाली फीलिंग। आप लोग कुछ बात कर रहे थे? नागेश्वर जी, ऊपर से मुझ पर बहुत प्रेशर है, और आपसे ये काम बनता है तो आप बताइए, नहीं तो हम ये काम किसी और को दे देते हैं। अबे गधे, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? भला नागेश्वर के होते हुए काम कौन कर सकता है? नागेश्वर, पिछले 18 महीने से तो सुनते यही आए हैं, आज बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, लेकिन कब बनेगा? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर अब तक सूर्य नहीं आया था, अब सूर्य आ चुका है। मेरे होते हुए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बोल वचन तो ये भी बहुत देते हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। यार नागेश्वर, तेरी तो कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं। ये भाड़े का सूट पहनने वाले भी देख कितना बोल रहा है, इसे बोल चुप हो, नहीं तो अभी। नागेश्वर जी, इनको बोलो बंदूक नीचे करे, नहीं तो ये डील हम कैंसिल करते हैं। बंदूक नीचे रखिए, ये मजाक कर रहे हैं, और आपको पता है कि फैक्ट्री के लिए मैं कितना खून बहाया हूँ, अगर जरूरत पड़े तो और खून बहाऊंगा, समझे? अब आपका काम हो जाएगा, आप लोग जाइए। ठीक है सर, हमें आप पर भरोसा है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। चल भाई नागेश्वर, पैसे आने दे। ओ हेलो, कौन से पैसे? तुझे ये काम करवाना है ना? करवाना है तो फिर मेरे बिना नहीं होगा। तो मेरे भी पास पैसे नहीं है। चलो भाई ठीक है, शाम तक गूगल पे कर दूंगा। गूगल पे करने के लिए मैं कौन सा तुझसे 150,000 रुपए मांग रहा हूँ? ओ, तब क्या करोड़ों लोगे? 72 लाख दे दे इसको पैसा। मैं पैसा पैसा करता हूँ और पैसे पे ही मरता हूँ। अब तो आराम से बैठ, एंजॉय कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हेलो ओए साई, और जो कल शाम को ड्रामा कर रहा था उसका क्या? ए राणा, इसे यहाँ का भाई साहब किसने बनाया? इसे घर के बाहर लेके मत जाना, नहीं तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। खुद ही ड्रामे करता है, खुद ही पूछता है कि क्या था, ये था, वो था। ए नागेश्वर, बादाम खाया कर, दिमाग थोड़ा तेज होगा। अच्छे बच्चे की निशानी है ये। पहली मुलाकात में ही नागेश्वर से पैसा लेके चला गया। इस इंस्पेक्टर में कुछ खास बात तो है, क्योंकि बिना बताए कुछ भी पता कर लेता है। इसका करेक्टर ही नहीं कुछ समझ में आ रहा है। साहिब, ए साहिब, हमारी रिपोर्ट लिखिए। किस चीज की रिपोर्ट लिखवानी है? हमें एक मच्छर ने काटा है। तो मच्छर ने काटा है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आई हो? नहीं, उसने हमारे साथ ऐसी शरारत की है कि हम बता नहीं सकते, तो आपको हमारी रिपोर्ट लिखनी होगी। साहिब कहाँ जा रहे हो? यहाँ भी नहीं जाऊँ क्या? आज एक शरारत मेरे साथ हो गई, मेरे साथ हो गई।
कैसे कहूँ सरेआम ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई। आज एक शरारत मेरे साथ हो गई, कैसे कहूँ सरेआम ऐसी बात हो गई। स्पेशल रजिस्टर में कैसे लिखना होगा, स्पेशल रजिस्टर में कैसे लिखना होगा। दरोगा जी, दरोगा जी आज रपट लिखना होगा, दरोगा जी आज रपट लिखना होगा। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत जो मने तू मिला। किस्मत किस्मत तो मेरी फूट गई, छेचड़े हो गए मेरी किस्मत के, तेरे जैसी लुगाई मिली। अरे जीते जी बल्ले नरक देख लिया। हाँ हाँ, तू तो मने रोज सुरक की सैर करावे है ना। अरे मेरा बस चले ना, मैं तुझे नरक के सबसे नीचे वाले कुंड में घड़े में घेरू, तेरा कुंभी पागम बन जाएगा। दमी तेरा ना बस नहीं चलता, ना तो तू मने इबे के बमार दे। इतना भी लूज कैरेक्टर नहीं है डमी का, जो तेरे जैसी मरी हुई चीज को मारे। अरे मारूंगा तो किसी जिंदा दिल चीज को मारूंगा, शिकार करूंगा। रुक जा तू, आया बड़ा शिकारी। अरे तेरी बात, सर में दर्द करके रख दिया, लड़ना है तो घर जाओ। डमी। हाँ जी साहब। चाय लेकर आओ। तू कौन है? मैं हूँ बिजली, जहाँ भी जाती हूँ बिजली गिराती हूँ। तो यहाँ किस पर बिजली गिराने आई है? बिजली गिराने नहीं आई हूँ, बिजली तो गिर चुकी है साहिब पे। ये क्या बोल रही है आपके बारे में? क्या आपने नहीं सुना? हाँ हाँ सुना ना, क्या बोल रही है तू? तूने मुझ पर बिजली कब गिराई? चलो कोई ना, अभी गिरा देती हूँ। मम्मी, इसके पीछे छुपने से क्या होगा? वैसे तुम इसके पीछे छिपे क्यों हो? कौन है ये? तुम्हें इससे क्या, ये कौन है? तुम जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे? अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई हूँ, जब तक खिलाऊंगी नहीं तब तक जाऊंगी नहीं। छोड़ो, जब तुम्हें एक बार कह दिया तुम चली जाओ यहाँ से, जाती क्यों नहीं हो? खामखा कबाब में हड्डी बन रही। कबाब में हड्डी तो तू बन रही है। ये उंगली नीचे, जानती है मैं कौन हूँ? कौन है? सूर्या, क्या क्या तमाशा है ये? मैं क्या बताऊं?
जाओ यहाँ से, निकलो। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। तुम जानती हो सूर्या का और मेरा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? तुम देखो, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँ मैं, पागल। चुप हो जाओ दोनों। पुलिस स्टेशन को चिड़िया घर बना दिया। निकलो दोनों, दोनों निकलो। बड़े प्यार से लाई हूँ, खा लेना। हाँ देख ले तुम दोनों का प्यार, निकल जाओ नहीं तो। टमी। हाँ 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 जी। चाय तो पी गया होगा? हाँ जी पी गया। तो पानी लेकर आ जा। ठीक है जी, ला रहा। जा जा रहा। हे भगवान। नागेश्वर नाम है मेरा, नाक से भी ज्यादा जहरीला हूँ। मेरे को डबल क्रॉस किया ना तो उसकी मुलाकात सीधे यमराज से करा दूंगा। भूल गए क्या आप? आपके सामने आपके आदमी को मारा था। आप मेरा गला पकड़ सकते हैं लेकिन उसका नहीं। हट। सुबह सुबह जॉगिंग। ओए माँ, पागल वागल हो क्या? हूँ तो नहीं लेकिन उम्मीद पूरी है, हो जाऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? पिज्जा वाले के हाथ का पिज्जा खाने आया हूँ। तो डोमिनोज जाओ ना यार, वहाँ तो कभी भी खा लूंगा लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथों का पिज्जा खाना। मैं तुम्हें पिज्जा बनाने वाली लग रही हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो, मैंने ऐसा कब कहा? मंगवा के तो खिला ही सकती हो ना। क्यों, तुम्हारे पास तो है ना तुम्हारी वो बिजली अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाने के लिए। और हाँ, पिज्जा खाने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तुम जल रही हो। मैं क्यों जलूंगी? तुम जल रही हो। मैं नहीं जल रही हूँ। देखो तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। देखो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, आगे तुम बोले ना तो तुम्हारा। अच्छा वो लड़की कौन है? पता नहीं, बस अपना नाम बिजली बताती है और जब से गांव में आई हूं पीछे पड़ी हुई है। देखो तुम ना उसे दूर रहा करो, मुझे उसे देख के जलन होती है। अरे मैं उससे दूर ही हूँ, वही मेरे पास आती है। तो उसे बोल दो ना कि तुमसे दूर रहे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो। टेंशन मत लो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई ना तो हाँ, तो पहले मैं उसे मारूंगी और फिर मैं तुम्हें मारूंगी। आए हाय मेरी शेरनी। राकेश जी। सर जी, भरतपुर की सबसे फेमस चीज क्या है? जलेबी सर जी। लेकर आओ। ठीक है सर जी। तू भी इसके पीछे पीछे चला जा, कहीं ऐसा ना हो सारी खा जाए। हाँ सर, जाता हूँ। डमी डमी। जी सर जी। हाजी हाजी हाजी, बताओ। नागेश्वर की फाइल लेकर आओ। कौन सी फाइल लेकर आऊं जी उसकी? मैं उसके केस की फाइल। कौन से केस की फाइल जी? सर फाइल उसकी बनती है जिसका केस दर्ज किया जाता है और उसके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। अगर कोई सोचे ना उसके खिलाफ केस करने की, वो बेचारा अगले दिन मरा मिले, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाओ चाहे कैसे मर जाओ। फाइल तलाश कर, कोई तो होगा जिसने उसके खिलाफ केस किया होगा। ठीक है जी, देखेंगे हम, कोशिश करेंगे। डमी हाजी, बाहर जाके देख कहीं नागेश्वर की बेटी तो नहीं आ गई। ऐसा कर लो, अभी जा रहा हूँ। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। साहिब आज तो बहुत गजब लग रहे हो। तुझे मैं गजब लग रहा हूँ? हाँ। दो दिन से एक ही यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बदबू भी मार रही है। चलो निकालो, मैं धो देती हूँ। पागल हो क्या, ये सब देख रहे हैं? साहब जी आ गए। कौन आ गए? वही
अरे कम कर, इस जल्दी कर, इसके पीछे, नहीं 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 इसे इधर इधर भी वहां जाके कम कर, वो आए ना उसे बोल देना कि मैं हुई नहीं। सर पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगी? वो बोल देना कि मैं बीमार हूँ। सूर्या, सूर्या। सर तो है नहीं। है नहीं? Okay. कहाँ गए? वो आज आई नहीं है। कहाँ बर्बाद क्या? भाग ले क्या? आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छे के बच्चे चुप मर जाओ। आए नहीं मतलब? अरे फोड़ दिया सर। ये आवाज कैसी आ रही है? आवाज किसी की नहीं है जी, वो अपने घर पड़े बीमार है। हाँ हाँ। वो अच्छा, मैं अभी आती हूँ। आ जाओ। उनकी बाइक तो बाहर ही खड़ी है। डमी। हाँ जी। बोलना, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देखा? बता मैडम ने। मैडम जी बाइक तो मैं लेके आया। मतलब वो घर पर ही है? हाँ बीमार है जी। थैंक यू थैंक यू। चली गई। हाँ जी थैंक गॉड। लेकिन आपके घर क्या? हाँ? मर गया। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है? अरे वो सब बाद में बताऊंगा, तू साइड हट। तुम हाँ जी समझा देना अपने साहिब को कि वो सिर्फ बिजली के है। ऐसा कर लो। हेलो मेरे पे एक नहीं समझ ली और ये दो दो को संभालने के चक्कर में डमी। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं तेरे भी कड़ा देख कर मैं तेरे प्यार करूँ ना तो तेरी आँख बंद दे जाओ। चुप करो। तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा था अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? क्या नहीं बताऊंगा? तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है सूर्या, और यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ। कल भी मैं मार दिया। चित्रा तुम कहाँ हो? आ रही हूँ बाबा, रुको। ये पियो। ये क्या है? ये काढ़ा है, पता है मुझे मेरी मम्मी ने बनाना सिखाया था, और बुखार में इससे ज्यादा बढ़कर कोई दवाई होती ही नहीं है, पियो इसे। अच्छा मम्मी ने सिखाया था? करमजली मम्मी ने ये नहीं सिखाया कि ये काढ़ा सर्दी में पिलाया जाता है, गर्मी में नहीं। पीना पड़ेगा। हाँ। इतना खराब बना था? नहीं बहुत अच्छा बना था। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम कर लो। तुम जा रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी, और वैसे भी तुम जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना मैं यहीं रहूंगी। अब तुम सो जाओ। सूर्या, सूर्या सो गया। इतना दबंग पुलिस इंस्पेक्टर है और दिल से बिल्कुल बच्चा है। मस्ताती सुभासी हो खूबसूरत तुम,
हमको तो लगती हो खुदा की मूरत तुम। मस्ताती सुभासी हो खूबसूरत तुम, हमको तो लगती हो खुदा की मूरत तुम। लगता है कुछ इस तरह से तुमने दिल काबिज किया है, काबिज किया है। हाँ दे दिया दिल, दे दिया हमने दिल तुमको दिया है। हाँ दे दिया दिल, दे दिया हमने दिल तुमको दिया है। ओ, 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 मैं यारा तेरे ही इस रंग में। ढलना चाहूं यारा मैं अब तेरे ही इस ढंग में। हमने जाहिर किया है, जाहिर किया है। हाँ दे दिया दिल, दे दिया हमने दिल तुमको दिया है। हाँ दे दिया दिल, दे दिया हमने दिल तुमको दिया है। ओ, 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 बात यही है वो जिंदगी क्या जिंदगी अगर तू साथ नहीं है। मैं तो तेरा हो गया हूँ दिल में बात यही है वो जिंदगी क्या जिंदगी अगर तू साथ नहीं है। खुदा से पहले भी यारा मैंने तेरा नाम लिया है, तेरा नाम लिया है। हाँ दे दिया दिल, दे दिया हमने दिल तुमको दिया है। हाँ दे दिया दिल, दे दिया हमने दिल तुमको दिया है। ओ, 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 एक मिनट रुको, बाइक रुको, बाइक रुको। मना नहीं जाना आपके साथ, मैं यहीं उतर रही हूँ। मैं एक बार बताऊँ तुझे, नीचे उतर, उतर नीचे। एक बात सुन ले, मेरे तो तू तड़ाक करके बात ना करेगा ना तू। हाँ, आप तो मेरे तो बहुत आप करके बात करो थे। अरे मैं मर्द हूँ, मैं तेरे तो तू तड़ाक करके बात कर सकूँ। तो मैं भी आप ना तू कह के बात कर सकूँ। और हाँ, औरत और मर्द में क्या फर्क, औरत भी मर्द तक कम नहीं होती। अरे मर्दों की सेल्फ रिस्पेक्ट हो। सेल्फ रिस्पेक्ट औरतों की भी होती है जो तुम जैसे मर्दों ने छोड़ दी नहीं। अरे उल्लू की पट्टी, तेरी उम्र के साथ साथ जवान भी बढ़ती जा रही, तेरी जीभ निकाल कर तेरे गले में लपेट दूंगा, समझ गई नहीं तू? डमी। हाँ? बिजली ए? बिजली यहाँ ना, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, यही मेडिकल तक जा रही है। अच्छा,
मेडिकल पे जा रही, चल मैं छोड़ दूंगा, आज बैठ। नहीं नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करो, मैं चली जाऊंगी। अरे बिजली ये छोड़ देंगे? नहीं मैं चली जाऊंगी, यहीं पास में जाना है। अच्छा ठीक है, जा फिर। ठीक है, ध्यान से जाना। तलो मैं मेडिकल तक थोल दूंगा, बड़ा शौक है इन लड़कियां ना घुमाने का। अरे उल्लू की पट्टी, चुपचाप बैठ जा, ना तो मोटरसाइकिल किसी ट्रक से नीचे दे दूंगा, चल बैठ। मना नहीं जाना आपके साथ। अरे बैठ जा, ना तो रैपट मारूंगा, खींच के चल बैठ। इसी मोटरसाइकिल ले रहा है, अपने पर की खटा रहा। तेरे घर वालों ने मोटरसाइकिल भी ऐसी दिया, पता नहीं कैसी दी, चल। बेटा बाकी लोग कहाँ हैं? दूसरी फैक्ट्री में माल पहुंचाने गए हैं, आते ही होंगे। भत्तर जी, माल सब पहुंच गया? जी मालिक, माल भी पहुंच गया और वो माल भी पहुंच गया। गुड। राणा, उससे बात हुई? वो आने वाला था, क्या हुआ? हाँ वो रात को रघु का फोन आया था, बोल रहा था दो दिन बाद आऊंगा, कुछ काम आ गया है। वो हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेवकूफ बना गया, कभी भी समय पर नहीं आता है। और तू इस तरह क्यों बैठा है? अरे वो ऐसा ही ने बोला था ना। अरे वो जब बोला था तब बोला था, उसका क्या भरोसा, वो कभी भी आ सकता है। आने दो से, नागेश्वर नाम है मेरा, ऐसा डसूंगा ना कि पानी भी नहीं मांगेगा। सूर्य हाजिर है। लो वो आ गया, मैंने बोला था ना वो कभी भी आ सकता है। अरे तू अभी तक ऐसी बैठा है? अच्छा बच्चा है तू। ये सही साहब, आप यहाँ कैसे? यार नागेश्वर, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा दुश्मनों के हालचाल लेता चलूं। दुश्मन? दुश्मन? दुश्मन कब बोला? अरे दोस्त बोला मैंने। नहीं 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 नहीं, दुश्मन ही बोले मुझे। ए राणा, क्या बोला मैंने? दोस्त साहब। क्या नागेश्वर, अब तो तेरा आदमी भी बता रहा है कि मैंने दुश्मन नहीं दोस्त बोला है, फिर भी तुझे यकीन नहीं आ रहा है। अरे साई साहब, कुछ काम से आए थे यहाँ? यार तू इज्जत बहुत देता है, वही लेने आया था। खैर जब तूने रो के लिया है तो अब 2000 की गरम गरम नोटियों की पेटियों को आने थे। परसों ही तो दिया था मैं। तो फिर एक काम कर, काम भी किसी और से करा लेना। और हाँ नागेश्वर, सोने के जेवर और सूर्या के तेवर हर किसी को शूट नहीं होते। अरे ला, इंस्पेक्टर साहब आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और मान भी जाते हैं। दो कदम। तू मजाक कर रहा था, मैं तेरा मजाक बना दूंगा। क्या नागेश्वर, मजाक कर रहा था, आ गले लग जा। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, कभी शैंपू भी कर लिया कर। पास मार रही थी। पृथ्वी 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 क्या करेगा लेके पृथ्वी को? और वैसे भी तूने मुझे बहुत परेशान किया है, नागेश्वर का खुद चल के आने का मतलब तुम्हारी मौत। तू मुझे डरा के मेरी जमीन छीन लेगा? रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। 18 साल फौज में नौकरी की है, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। फौजी तुझे मरने की बहुत जल्दी है, और वैसे भी तेरे खानदान में कोई बचा नहीं है। अरे बचा खुचा एक पोता है, उसके साथ खुशहाल की जिंदगी जी, मेरे रास्ते कटा क्यों बनता है? तूने क्या सोचा, मेरी उम्र भर की कमाई तू ऐसे ही ले लेगा? ना 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 ना, नागेश्वर कोई भी चीज फ्री में नहीं लेता, हर चीज की कीमत देता है। 100 रुपए की चीज के 10 रुपए? भाई साहब ने जितने दिए हैं उसके उतने ही पैसे लगेंगे, समझा फौजी? लगता है तेरे और तेरे भाई साहब के उल्टे दिन लग चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी में शनि के कदम पड़ चुके हैं। <laughs>
लगता है शेर आ गया। अरे बेटा बेटा तू ठीक है ना? मैं ठीक तो हूँ, पर ये पुलिस वाले अंकल आगे वरना गाड़ी वाले मुझे उठा के ले जाते पता। शाबाश। अरे चाचा आपका एक ही तो पोता है, उसका भी ध्यान नहीं रखते हो। आपको पता होना चाहिए स्कूल के टाइम कब जाना है, कब पोते को लेकर आना है, और आप यहाँ बैठ कर पंचायत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसे बचाया। मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये नागेश्वर यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी जबरदस्ती जमीन छीनना चाहता है। अरे अरे ना, ना, अरे हम तो हाथ चलने आए थे। अरे भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे तो डरता क्यों है नागेश्वर, बैठना। चाचा मेरे साथ साइड में आइए। अरे चाचा जमीन ही तो मांग रहे, दे दो ना। अरे कैसे दे दूं, मेरे बाप दादा की है वो। कमाल करते हो चाचा, पहले आपके दादा ने वर्दी, फिर आपके पापा ने, उसके बाद आपने, आखिर एक ही चीज को कितनी बार घिसोगे? लगता है वर्दी में छिपा भेड़िया है तू, जो भूख लगने पर अपनों को भी खा सकता है। देखिए चाचा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि आप आर्मी रिटायर्ड है। बेटा मेरी इज्जत मत करे, इस वर्दी के तो कर ले। अरे वही तो कर रहा हूँ, पता नहीं आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। मैं रोज रोज आपके पोते को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आऊंगा, और इस नागेश्वर का तो कुछ नहीं जाता। मैं बता रहा हूँ चाचा आपको, ये कल को आपके पोते को फिर उठाएंगे, उसके बाद आपको फिर धमकी देंगे। अब आप ही सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है आप जो भी फैसला लेंगे उम्मीद करता हूँ अच्छे ही लेंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हाँ। और चाबी तो बिल्कुल भी ना मिले क्योंकि थारी आदत तो अच्छी है ही नहीं। अरे आदतें अच्छी होती तो तीन तीन बच्चे तोड़ा ही होते, चौथे की पलानी चली है। अच्छा खिलाओ ना। ले खा खा खा, अपने आप खरी कली कली मुझे भी खुआ। मुझे खा दे। खाओ खाओ। नहीं सर बस हो गया हो गया। अरे नहीं तुम कहते हो तो मैं अंदर चला जाता हूँ। अरे सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? कहाँ शर्मिंदा कर रहा हूँ, पता है तुम दोनों को देखकर मुझे क्या लग रहा है? कैसा? जैसे कुत्ते और बिल्ली में जुगलबंदी चल रही हो। अरे कहाँ जा तू? अरे सर जी अजी सर जी रुको, यो क्या कर दिया तुमने, बड़ी मुश्किल तो रात का प्रोग्राम फिट कर दिया था तुमने, सारी गड़बड़ कर दी। सॉरी आडम। अजी काय का सॉरी, पर एक बात तो बताओ तुम इतना खुश हो हंस रहे हो, के मिल गया तुम्हें? चित्रा तुझे पता है क्या, उसके साथ रहकर ना बहुत अच्छा लगता। अच्छा? है उसकी बातें उससे मुलाकातें सच में कमाल है वो। उसके साथ रहता हूँ ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता, बहुत प्यार करती है वो। अच्छा और आप? अरे पागल जब इंसान प्यार में होता है ना तभी उसे सब फील होता है। अच्छा तो फिर कर लो शादी, हम भी एक दो तीन चार पाँच छह सात पैक मार लगे लैच लगे तेरी शादी में। कर तो लू यार। हाँ। मगर एक छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम? यह प्रॉब्लम कौन सी है महाराज? है तो छोटी सी मगर बहुत बड़ी है जो तेरे समझ में नहीं आई। हे भगवान मेरा तो सर घूम रहा है, अपनी प्रॉब्लम किसी और पर सॉल्व करवाओ। सर शादाब भूल रहे हैं आपके पास एक और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है पम्मी, तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो? बिजली। बिजली हाँ कि है कहाँ, वो दो तीन दिन से दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो रोज थाने में आकर परेशान करती थी। मिली थी तीन दिन पहले बाजार में, बोली पेट दर्द है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा, तब मिले के उस। अरे तेरा भला हो जा, कैसी बात कर रही, तेरे होते हुए मैं किसी और को देखूं या मिलूं, मुझे अपने पैरों की हड्डी सलामत नहीं रखनी क्या? कमाल है बिजली भी बीमार हो सकती है, उस छप्पन छुरी के सामने तो सब कुछ फेल।
वैसे बिजली का घर कहाँ है और उसके घर में कौन कौन है? अजी कौन होता, एक दादी थी बीमार रहती और वह बेचारे लिगड़ ली, अब तो वह अकेली थी ना आती। अच्छा कमाल है ना, कितनी खुश रहती है वो, उसको देखकर लगता ही नहीं कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख है। खुश तो सर वो पहले रहती थी। पहले मतलब? वो नागेश्वर है ना, उसका बेटा रघु, एक दिन नशे की हालत में उसने बाजार में बिजली के साथ बदतमीजी करी। बिजली क्या करती, उसने थप्पड़ मार दिया। उसने बदला लेने के लिए उसको नंगा करके पूरे बाजार में घुमाया, फिर उसके बाद उसको बेल्ट से खूब मारा। क्या करती बेचारी, सारा यो गांव खड़ा खड़ा मुर्दों की तरह देखता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। और तो और, वो पहले ऐसा ही था ना जी, वो नागेश्वर का पक्का चेला था। हाँ वो बेचारी बिजली एक साल तक स्टेशन में आती रही, लेकिन एसआई ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। लेकिन एक दिन एसआई रघु की पार्टी में गया, किसी बात पर लफड़ा हो गया, तो रघु ने एक रैपट मारा खींच के एसआई के, वो जो रैपट था थप्पड़ था वो उसकी गाल पे लग गया, सीधा एसआई के दिल पर लग गया। अब एसआई ने बिजली की रिपोर्ट लिख ली, रघु के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, नागेश्वर ने रघु को कहीं बाहर भेज दिया, एसआई को ऊपर। पम्मी जी बाइक की चाबी देना। यार नागेश्वर मैं तेरा फैन हो गया, तू जो प्यार देता है ना मजा आ जाता है, कमाल का इंसान है तू। ऐसा ही तुम भी कमाल के इंसान हो, ऐसा चेहरा दिखा के कितने रंग बदलते हो। रंग बदलने के मामले में आपने तो गिरगिट को भी पिछाड़ दिया। नागेश्वर है? तो मेरी इज्जत से बेइज्जती कर रहा है? अरे नहीं नहीं हुजूर, मुझे देखकर आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं इसे गुस्ताखी कर सकता हूँ? करना भी मत, नहीं तो गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पे लटका हुआ मिलेगा तू। ए, वो अभी तक आया क्यों नहीं? उस दिन तो बोला था आने के लिए। हाँ वो आने वाला है ना। अरे नागेश्वर ज्यादा गुस्सा नहीं करते, वरना इस उम्र में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते है। ऐसा कौन आने वाला है? मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी जान। इतना प्यार करता है उससे? बहुत ज्यादा। ए, मारने का नहीं, पहले ही बोल दिया था तुझे। जब मन कर रहा है तो मारूंगा ही ना। ना? मुझे नहीं, इसको मारो। मुझे क्यों, तुम ही खाओ ना। अबे गधो, धार मारनी है, सुसु आ रही है। ये चीज पर नहीं बोल सकते थे, हार्ट अटैक कराओगे क्या? सीधे जाओ बाएं मुड़ जाना। ठीक है। हाँ हाँ मैं बताना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सुसु करने आया हूँ। आपने शराब पी रखी है, आप अंदर चलो कोई देख लेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और तुम मेरे सामने मत खड़ी हो, मुझे सुसु करनी और मुझे शर्म आ रही है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे घर की छत है, कोई वॉशरूम नहीं। तो फिर मैं सुसु कहाँ करूंगा? हो गई एक्टिंग, अब कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। तुम्हें कैसे पता चला मैं नशे में नहीं हूँ? आपका यूं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना और फिर खुद को कंट्रोल ना कर पाना। मुझे नहीं पता था कि चांदनी रात का चांद इतना खूबसूरत होता है। वैसे आप भी ना आजकल मुझे पापा की तरह ज्यादा ही डांटने लगे हो, आखिर इरादा क्या है तुमसे शादी का?
तो जाओ कर लो बात पापा से। सुना है शराब के नशे में आदमी जल्दी मान जाता है, और सुना है शराब के नशे में सब जायज होता है। फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि शराबी छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार भी देते हैं। डराओ मत यार मुझे, जाकर बात तो करो, जो होगा देख लेंगे। ठीक है कर लूंगा, वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा जरूर, लेकिन कल। अभी के लिए पापी मिलेगी शादी के बाद। नागेश्वर बहुत तेज बन रही है, शादी के बाद ना। पैसे दे। कहां से तुम्हें पैसे? नहीं है मेरे पास कोई पैसे। जबान चलाती है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। एक तो पूरा दिन धूप में मजदूरी कर करके मैं 200 रुपए कमाती हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ? बच्चों का खर्चा कहाँ से उठाऊंगी मैं? साली जबान चलाती है। औरत पे हाथ उठाता है, औरत पे हाथ उठाता है, ना मर्द गई का? बस कीजिए साईं साहब, ये मेरा मर्द है, ये चाहे मुझे मारे पीटे काटे, आप खोते कौन है हमारे मामले में दखल अंदाजी करने वाले? मगर कुछ नहीं, मेरे घर वालों ने इनसे मेरी शादी की है, इनका पूरा अधिकार है मुझ पे, समझे साईं साहब? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाइए यहाँ से। देखा ये होती है औरत। अरे तू ये कैसे भूल गया कि तुझे भी एक औरत ने ही जन्म दिया है, और तुम सब लोग जो यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, तुम सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि औरत अगर दुर्गा माँ होती है तो वो काली भी होती है। किसी भी औरत को काली बनने पर मजबूर मत करो, अगर वो काली बन गई ना तो इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और तू एक बात तुझसे भी कहना चाहूंगा, असली मर्द वो नहीं होता जो अपनी औरत पर हाथ उठाए, बल्कि असली मर्द वो होता है जो अपनी औरत की इज्जत बचाए। चलता हूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं आगे शराब नहीं पीऊंगा। नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे शराब कभी नहीं पीऊंगा। चलिए आप अंदर। इंस्पेक्टर साहब, आप इंसान बड़े कमाल के हो, बस थोड़ी सी कमी ना, थोड़ी सी भी कमियां नहीं है, मैं बोल रहा था। वैसे एक बात तो है नागेश्वर, तू बहुत दिलचस्प इंसान है, और तू इससे भी बड़ा दिलचस्प है, मेरी सारी बात मानता है। इंस्पेक्टर साहब इतने प्यार से बोल रहे हैं, तो ले ले। अरे लेना। ए, औकात में। अच्छा ठीक है, आगे यार तो रघु को फोन लगा। हाँ भाई सब लगाता हूँ। एक पैक और दूँ? भाई साहब फोन लग नहीं रहा है? फिर से लगा। अरे नागेश्वर क्यों परेशान हो रहा है, लग जाएगा। हाँ अब लग गए भाई साहब। अरे रघु कहाँ पर है भाई तू, तेरे को कब से फोन लगा रहा है? अरे ला मुझसे बात करा। ले भाई साहब से बात कर, परेशान हो रही है वो। हेलो कौन? भाई मन ने तो यहाँ चारों तरफ आसपास सब जगह ढूंढ लिया, कोई सुराग नहीं मिला, या लाश किसकी? अब कुछ तो समझ में आना चाहिए मेरी, आखिरकार मैं भी बहुत होशियार अवलदार हूँ। साहब जी मुझे तो ऐसा लगता है ये लाश किसी लड़की की है, देखिए मुझे ये सुराग मिला है। दिखाओ दिखाओ।
भाई लेकिन मुझे लगता है क्या लहास किसी लड़की की है। तो मैं क्या साहब जी फारसी में बोल रहा हूँ? रावी मैं भी तो कह रहा हूँ लड़की की है। सुनो इतनी स्मेल आ रही है ना, ऐसा लागे जो दो तीन दिन तो पड़ी। बिल्कुल सही कह रही, बहुत बदबू आ रही, ऐसी बदबू आ रही जैसी तेरे मताब है। चुप करो तुम। ठीक है ज्यादा ना बोलना, नहीं मुंह फोड़ लो। साहब है क्या? जैन सर। जैन सर। जैन। फोरेंसिक टीम वाले कहां तक पहुंचे? अजय आए नहीं, बहुत देर पहले फोन कर रहे, पता नहीं कहां रहेगी। शहर में मर्डर हो तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में पहुंचने में 10 घंटे लगा देते। ना जाने कब सुधरेगा ये सिस्टम। लोग शहर में भी रहते और गांव में भी। सर एक बार फोरेंसिक टीम ना आने देते। चुप पमी। कि तुम मेरा रास्ता मत रोका करो, मैं चित्रा से प्यार करता हूँ। ठीक है साहिब हम चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं। आज हम आपकी नजरों के सामने हैं तो आपको हमारी कदर नहीं है, लेकिन कल जब हम नहीं होंगे ना तो आपकी नजरें हमें ही ढूंढेंगी, फिर आप अपनी आंखों से आंसुओं की बारिश को रोक नहीं पाओगे। हमारी कदर नहीं है तो आपको हमारी कदर नहीं है तो आपको हमारी कदर नहीं है, लेकिन कल जब हम नहीं होंगे ना तो आपकी नजरें हमें ही ढूंढेंगी, फिर आप अपनी आंखों से आंसुओं की बारिश को रोक नहीं पाओगे। बहतर सब काम धाम ठीक चल रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा बेटा आ गया। आजा बेटा आजा। अरे बेटा पाँव का पड़ता है, अरे यहां गले लग जा। मुझे बार बार ऐसे परेशान मत किया करो पिताजी। अरे बेटा मैं कहां तुम्हें परेशान करता हूँ, बस जब भी मेरा देखने का दिल करे तू आ जाया कर। मुझे काम बहुत रहते हैं। अरे अरे राणा सुना, अरे अपना रहू काम करने लगा है। अब लगता है कि मेरा आराम करने का टाइम आ गया। हाँ आराम से एक चीज याद आया, थक गए होगे जाके आराम करो, खाना पर मिलते हैं। कैसे हो चाचू? पहले से डरा हूँ। इसके दिमाग का तार हिल गया है, कुछ भी अनासला बकता रहता है। तुम जा सारी अपना डर अपने अंदर रख, अगर इसके सामने उसके बारे में कुछ बोला ना तेरी जुबान काट लूंगा। ऐसो मुझे इसकी मौत दिखाई दे रही है। बंद कर अपनी काली जुबान। और ये पता लगा कि तुझे 3 दिन में क्या गुल खिलाया है। इसने जो किया है इसे कोई नहीं बता सकता।
अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना तो पूरे गांव में आग लगा दूंगा। डमी। हाँ। बिजली के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके साथ बहुत गलत हुआ। पता हम क्या कर सकते हैं डमी। हाँ हाँ जी। आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने उसे? बाजार में देखा था जी। चलो जी। बिजली से लास्ट टाइम तुम्हारी क्या बात हुई थी? उसके पेट में दर्द था सर, वो मेडिकल पे गोली लेने जा रही थी दवाई। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? उस टाइम करीबन 10 या 10:30 बज रहे थे। ऐसे टाइम पे कौन सा मेडिकल स्टोर खुला होगा? एक ही मेडिकल स्टोर खुलता जी, वो सामने वाला, और इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। डमी, तू एक काम कर, जा डमी अंदर जा और जाकर अच्छे से पूछताछ कर, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। फोन नहीं उठा रहा है, जरूर कहीं काम में बिजी होगा। फोन काट दिया मेरा। डमी, इस सामने वाली दुकान की मुझे कैमरे की फुटेज चाहिए सारी की सारी, अभी के अभी जा। देख हम कैमरे में लड़ते हुए कितने अच्छे लग गए हैं। मैं लगता हूँ अच्छा तो? बाकी तू तो चुड़ैल ही लगती है सामने से भी और कैमरे में भी। हुँ? और घर पे भी चुड़ैल लगती है। शांत नहीं हो सकते तुम दोनों, 24 घंटे लड़ते रहते हो, काम पे तो ध्यान देते नहीं। डमी। हेलो, क्या है? कब से कॉल कर रही हूँ और तुम फोन तक नहीं उठा रहे हो मेरा। क्या काम है बोलो? कल से हमारी बात नहीं हुई। कुछ काम था तुम्हें? अच्छा, तो अब जब कोई काम होगा सिर्फ तभी मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। यार फालतू बात मत करो। अब मेरी बातें भी तुम्हें फालतू लगने लग गई है। बहुत सही, तुम्हें लड़ना है मुझसे। देखो लड़ तुम रहे हो मुझसे। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम ना कभी नहीं बदल सकते हो। तुम
तुम 2 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। कोई काम है तो बोल, नहीं तो फोन रख। फोन रख। क्या हुआ तुम दोनों को, इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ सर। नहीं सर। यार डमी। हाँ जी, हाँ जी। माफ कर देना यार, मुझसे गलती हो। गुस्से गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। तू एक काम कर, शहर जा, जाकर फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर आ। चल जा, चल। अभी गया सर। एक बात कहूँ? हाँ पम्मी बोलो। आपने है ना फोन पे भी किसी को डांट दिया? सच? ओ शिट शिट शिट, क्या कर दिया मैंने। फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। चित्रा फोन उठा। चाबी 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 कहाँ है? सर 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 सर, देर देर, ये रही चाबी। सॉरी यार पम्मी। रघु बेटा, अब काम का दायरा बढ़ गया है। वो तो ठीक है पिताजी, पर चाचा पे लगता है काम का लोड ज्यादा है। काफी थके थके से लग रहे हो, क्यों चाचा? डर गया। मुझसे या पिताजी से? हैं? वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया चाचा? अरे बेटा कोई नहीं आया, इसको चढ़ गई है। अरे कुछ दिनों से ऐसी अनाफना पक रहा है, इसलिए बोलता हूं इतनी ज्यादा मत पिया करो। हैं? क्या समझता है खुद को? ऐसे करेगा तो मैं मान जाऊंगी? नहीं, मैं उसे नहीं मनाऊंगी। मैं कभी नहीं मनाऊंगी। मेरा नाम भी चित्रा है। गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, तो मैं गुस्से में खाना खाऊंगी। मैं बनाऊंगी, मैं चाय बनाऊंगी, मैं मोमोज बनाऊंगी और हाँ मैगी बनाऊंगी। मैं सब खाऊंगी। हाँ ये सारी चीज मैं खाऊंगी। घर में जितनी भी चीज है ना, मैं सब खाऊंगी। हाँ यहाँ क्यों आयो? किसी ने देख लिया तो? अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम यहाँ क्यों आए हो? ओ तुम। हाँ तुम, 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 तुम ना आप कहलाने के काबिल भी नहीं हो। लेकिन तुम तो हमारे काबिल हो। तभी ऐसा बिहेव करते हो ना। यार कैसी लड़की हो तुम? एक तो मैं रात को बचता बचाता कैसे भी करके तुम्हारे घर आया, तुम्हें 4 घंटे पहले क्या हुआ मेरा गुस्सा याद है, लेकिन मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ 2 बार तुमने एक बात बोली और मैंने वो नहीं मानी। कि तुमने इतना ज्यादा गुस्सा किया है मुझ पर पता है? और एक बात और बता दूं, पहले भी ना जितनी बार हमारे बीच दूरियां हुई है उन सब का कारण सिर्फ तुम्हारा गुस्सा है। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं करते गुस्सा, प्यार करते हैं। तुम एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्या? मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तुम पीछे क्यों जा रही हो? तुम आगे मत आओ। तुम पीछे मत जाओ, मैं आगे नहीं आऊंगा। तुम आगे मत आओ, मैं पीछे नहीं जाऊंगी। अब कहां जाओगी मेरी जान? छल्लो वाली कार में 140 की रफ्तार पे तू भी हो गर साथ में कति हो जागा जुलम। छल्लो वाली कार में 140 की रफ्तार पे तू भी हो गर साथ में कति हो जागा जुलम। मन सिंपल सी तू रेवण दे ओ सैया दीवाने। मन सिंपल सी तू रेवण दे ओ सैया दीवाने।
विंस में मर जानी तू लगे कसूती होटा मेरे पंजाबी सूट में तू नुत बता के खोटे एक तन्ना ही तो मिस करूं कैद तो तन किस करूं तू भी उम्मा कर दे तो कति हो जागा जुलम मन सिंपल से तू रेवण दे ओसे आती वाने मन सिंपल से तू रेवण दे ओसे आती वाने मेरी पिक्चर की तू हीरोइन और मैं तेरा हीरो सू मान या ना मान तेरा डैडी से विलन मन सिंपल से तू रेवण दे ओ सैया दीवाने मन सिंपल से तू रेवण दे ओ सैया दीवाने वो चला गया। अब कौन चला गया चाचा? बेटा मैंने बताया था ना किसकी खिसक गई है, कोई नहीं आया और न गया। नहीं पिताजी, कुछ तो है, मैं देख के आता हूं। देखा चाचा, कोई भी नहीं है और तुम खामे काट रहे हो, इसलिए बोलता हूँ कि कम पिया करो। बेटा हवा किसी को दिखाई नहीं देती, वो आंधी है, तूफान है। गई साली, उठाओ और जंगल में फेंक कर आओ। चल। इसका मतलब बिजली की इस हालत का जिम्मेदार नागेश्वर का बेटा रघु है। पुराना हिसाब चुकाना है तुझसे रघु, मैं भी देखता हूं। अब तुझे सूर्य के हाथों मरने से नागेश्वर तो क्या, यमराज भी कैसे बचाता है। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के जिस्म से खेलने का,
अब देख मैं कैसे खेलता हूँ तेरी जिंदगी से। तेरा इंतजार खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है तेरे उठने का। तुझे अपनी आंखों से देखना होगा उन्हें तड़पते हुए। वो बहुत मांगेंगे लेकिन मैं नहीं दूंगा। नोचना अच्छा लगता है ना उन्हें लड़कियों को, अब मैं उन्हें नोचूंगा और उनसे पूछूंगा कि मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना तुम्हें। नैना नैना तुझे उठना होगा, तुझे अपनी आंखों से देखना होगा उन हरामजादों को तड़पते हुए। उठ उठ नैना, उठ उठ नैना। चुटकुल के बच्चे, ए गए आज तो। जी भैया। जी भैया। आजकल देख रहा हूं तुम दोनों को, पढ़ाई में कम और खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान है। और ये मत सोचना कि मैं बाहर जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं। पढ़ो। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो बाथरूम की लाइट ऑन कर लेना। पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ो। भैया मैं नहीं सोई, ये सोया था। भैया पहले ये सोई थी। भैया मुझे एक साइकिल चाहिए। अच्छा? और एक स्कूटी भी चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? कहती है तो मैं तुझे एक हेलीकॉप्टर और दे दूं। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बुद्धू हूँ ना, क्यों जरूरत क्यों नहीं है, मुझे तो सब कुछ चीजें चाहिए। आप ना मुझे रेलगाड़ी भी गिफ्ट कर दो। और मेरी बहन को छेड़ा कैसे तूने? छेड़ा अब छेड़ना। रुक, तू कहां भागता है? तुझे भी अभी बताता हूं साले, रुक। छेड़ना भैया बस करो, कितना मारोगे उसे? आपके इसी गुस्से की वजह से चित्रा आपको छोड़कर चली गई। लेकिन इसने बहन तुझे छेड़ा था। तो क्या जान से मारोगे इसे? हाँ मार दूंगा मैं। भाई मेरी गलती थोड़ी थी, सारी गलती उस सूखे की थी, आपने मुझे भी पीट दिया। चल जा यहाँ से। भैया क्यों करते हो इतना गुस्सा? आपकी किसी गलती की वजह से कल को मुझे कुछ हो गया तो? जान से मार दूंगा मैं उसे। अगर किसी ने कुछ भी किया ना तो मैं जान से मार दूंगा। और तुझे ही नहीं, अगर इस देश की किसी भी लड़की के साथ किसी ने कुछ भी किया ना तो जान से मार दूंगा मैं उसे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बहन, बहुत प्यार करता हूँ। चल। भैया मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? हाँ तू भी चाहती है कि तू जिंदगी भर झाड़ू पोछा करे? अरे पागल, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तेरा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। भैया मुझे पढ़ने जाने से प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती हूँ। वो बात तेरी ठीक है, लेकिन मम्मी पापा का सपना था कि तू पढ़ लिखकर कलेक्टर बने। भैया आप समझते क्यों नहीं हो, मैं यहाँ पढ़कर पेपर दे दूंगी, मुझे वहाँ नहीं जाना। बहन आखिर क्यों नहीं जाना? वहाँ आप नहीं होगे भैया, और आपको पता है मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। तू एक कॉल करना और मैं तेरे पास। हाँ। हाँ। चल अब जल्दी कर, बस आने वाली होगी। दीदी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना। भैया आप फिक्र ना करो, मैं दीदी का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलो 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 निकलो निकलो, अब बहुत देर हो गई। हाँ,
बॉस मैं आऊं, तू सिगरेट पिला। दीदी इन्होंने नाक में दम कर रखा है, पढ़ने भी नहीं देते। हाँ भाई, काफी बार शिकायत कर दी इनकी, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज मुझे ही इनको सबक सिखाना होगा। अरे दीदी तुम इनसे पंगा ना लो, इनका कुछ नहीं जाने वाला, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? हर प्रॉब्लम का सलूशन है अपना भाई। हाँ। तो रुक, आती हूँ मैं अभी, आज तो इनको ही देखती हूँ मैं। दीदी तू यहीं बैठे रहना, आ रही हूँ मैं अभी। अरे दीदी तुम उनसे क्यों पंगे ले रहे हो, छोड़ो ना। कौन आ गया यार, स्वाद में खलल। मैं देखता हूं। कौन है? इस म्यूजिक को बंद करो, तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। हाँ। सब? मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे सिवा। और सुन, अगर कोई परेशान होता ना तो सब आज तुम्हारे साथ आते। चुपचाप यहाँ से चलो। तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह भी कोई नहीं लगना चाहता। तुम्हारे जैसे बेशरम नहीं है सब, रोज लोगों से गाली सुनते हो और फिर यही काम करते हो। तो हम तुम्हारे मुंह लग जाते हैं। क्यों चिंटू, मैडम के होंठ देख, बस भरे मुलायम गुलाब के पंखुड़ी के जैसे, मगर जवान से तो जहर उगलती है। नैना दीदी चलो यहाँ से। नैना 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 तेरे नैना मेरे नैनो की क्यों भाषा। अपनी औकात में रह के बात कर। रघु की औकात बताएगी? अबे तू जानती नहीं है, मैं चाहू ना इस पूरे शहर को खरीद सकता हूँ। नागेश्वर का बेटा हूँ मैं, और हाँ इस शहर में तो तू भी रहती है ना, अच्छे पैसे दूंगा। बोल। अरे बोल ना, कितने पैसे दूं तुझे? इसके साथ यही होना था दीदी। सब कुछ सही था पर ये गलत किया तुमने। अरे जा जा, तेरे मुंह कौन लगेगा। अरे छोड़ मुझे दीदी, छोड़ दीदी। तो मेरे छोड़ मुझे, अगर भैया को पता चला तो नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ मुझे दीदी को, नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ नहीं। रघु को मारेगी, रघु को हैं, रघु को मारेगी हैं, जब मारेगी। दूर रहो मुझसे, मेरे भाई को तुम जानते नहीं हो, छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें।
आपके किसी गलती की वजह से कल को मुझे कुछ हो गया तो? आपके किसी गलती की वजह से कल को मुझे कुछ हो गया तो? देना, देना। जान से मार दूंगा मैं उसे। अगर किसी ने कुछ भी किया ना तो मैं जान से मार दूंगा। और तुझे ही नहीं, अगर इस देश के किसी भी लड़की के साथ किसी ने कुछ भी किया ना तो जान से मार दूंगा मैं उसे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं बहन, बहुत प्यार करता हूं। अरे असाई साहब, आप आए कहां? दो दिन से दिखाई भी नहीं दिए आप। अरे आपको तो पता है कि जब तक आपसे मुलाकात नहीं कर लूं मुझे चैन नहीं आता है। यार नागेश्वर, तू भी ना कभी कभी गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग दे देता है। सोचता हूँ कि तुझे अपने साथ ही रख लूं। बोल क्या काम है? बस किसी से मिलाना था आपको। और हाँ, आते आते वो कागजात भी लेते आना, और सुनो फैक्ट्री में ही आना। ओके। सूरज की ताप और इस सूर्य की आग को आज अपनी आंखों से देखेगा तू। सुन भी। चुप हो। सुन भी ले मेरी बात। सारांगे। जैन सर। जैन। पिछले की फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? ये रीजी। हेलो। और बिजली के पहले वाले केस की फाइल? देख रहा जी, देख रहा हूँ। रखा गई, कहाँ गई? डमी, कल तेरे हाथ में फाइल दी थी, बोला था ना संभाल के रखना। ढूंढ जल्दी। ढूंढ तो रहा, अरे पता नहीं कहाँ। अरे जल्दी दो। सर यार, मीना घर पे भी कोई काम धंधा नहीं करता। इसकी रखी हुई चीज कभी कोई टाइम पे नहीं मिल सकती। सब तेरा क्या धरा हो? कमी खुद मोर निकाल मेरे मरे हो। अच्छा दिमाग खराब कर रही, तेरा शिकार किस दिन करूँ मैं? देखे है तेरा शिकार, किसा शिकार करे है तू? छोटू नहीं, किसी ना किसी दिन तो करो ना तेरे शिकार। हमारा शादी तांडव बाद में कर लेना, फाइल दो जल्दी। ढूंढ रहा जी, पता नहीं कहा गई, कौन सी थी, कहा था। मिल गई जी। है गाड़ी की डिटेल कहाँ है? अम्मी और डम्मी। जी जी सर। जैसा तुमसे बोलू वैसे करना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। डरो मत चाचा, आज ये साला जिंदा वापस नहीं जाएगा। शेर को अब तक तुम लोगों ने मस्ती करते देखा है, लेकिन मैंने उसको शिकार करते देखा है। वो अपने शिकार को 100 लोगों की भीड़ क्यों ना हो, सबको चीरता फाड़ता अपने शिकार तक पहुंच ही जाता है। साई साहब, आप ये बारात लेके क्यों आए? अरे हम तो आपके दोस्त हैं। मैंने यहाँ पर कभी कोई नुकसान किया क्या? तो फिर ऐसे क्यों आए? नागेश्वर, बाल सफेद हो गए लेकिन तुझे इतना भी ज्ञान नहीं। अरे दुल्हन को ससुराल में ले जाने के लिए बारातियों का साथ होना बहुत जरूरी है, वरना दुल्हन बुरा भी मान सकती है। दुल्हन होगा तू? अबे साले, हम तेरे लिए तो आए हैं। और वैसे भी साले साहब, मैं तो तुझे सरप्राइज देने वाला था, पर तेरी किस्मत में सरप्राइज लिखा ही नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत में तो जेल लिखी है। अरे सर, इस कुत्ते ने न्यू तो बता दो कि आपने इसे साला क्यों बोला है, वरना ये साला फिर से गाली ना समझ बैठे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पमी। वैसे एक बात बताऊं साले साहब, चित्रा और मैं करते एक दूसरे से प्यार, जो कि तेरी बहन है, तो उस हिसाब से हुआ ना तू मेरा साला। सूर्य, तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस बिजली के मर्डर केस में साले साहब को गिरफ्तार करने आया था। बिजली का मर्डर? अगर अब के साले बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। रघु, बदतमीजी नहीं करते। अरे साई साहब, रघु ऐसा नहीं कर सकता। डम्मी। हाँ जी, अभी ला रहा।
ये रहा अरेस्ट वारंट। जैसे इन लोगों ने काम किया है ना, उस हिसाब से तो मुझे इन लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। काट कर फेंक देना चाहिए था इन लोगों को। मेरे पिताजी एक बात बताते थे कि पुलिस की दुश्मनी भी बुरी और दोस्ती भी। ना साले तुम मुझे साफ होते हैं, मौका मिलते ही टस लेते हैं। अबे पहन के टके, तुझे मैं बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। तुझे क्या लगा साथ चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तुझे क्या लगा तू मेरा पीछा कर रहा है? अरे अगर पलट के देखता मैं तो हमारा ही आदमी तुम्हारे पीछे। फॉलो करने पर एक चीज का तो पता चला कि तू अपनी बहन के लिए जीता है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके लिए मैंने 3 लड़कों को मारा, जिसमें तेरा एक भाई भी था। अरे मेरा दिल कर रहा था कि तुझे तेरी बहन को मार डालूं, लेकिन नहीं, मुझे चोर सिपाही खेलने में बड़ा मजा आता है।
रुक, अरे मरना मत। अरे उठ जा। सोने के जेवर और सूर्या के तेवर सब घुस गई ना। पापा, छोड़ दो सूर्या को, वो मर जाएगा। पापा चुप, बिल्कुल चुप। तेरे भाई और बाप से ज्यादा कीमती नहीं है ये। जो तेरे भाई को मारना चाहता है और तेरे बाप को जेल भेजना चाहता है, तू उसे बचाना चाहती है। भैया, अगर यही सलूक कोई मेरे साथ करता तब भी क्या आप ऐसे ही करते? सारा कसूर इस लड़की का है। लाइए पिताजी, खत्म कर देता हूँ इसे। सूर्या, सूर्या आंखें खोलो। सूर्या, ये तुम्हारी बहन को मार देंगे। सूर्या आंखें खोलो। मेरी बहन को मारना चाहते थे, मेरी बहन को मारना चाहते थे। अगर तुम दोनों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरी बहन को हाथ लगाकर दिखाओ, मेरी बहन को हाथ लगाकर दिखाओ। तुम जैसे असुरों की वजह से ना लड़कियां देश में सुरक्षित है, ना शहर में, ना गांव में, ना अपनी गली में, ना अपने घर में। उन बेचारियों को डर रहता है इस बात का कब कोई भेड़िया आएगा और उन्हें नोच कर खा जाएगा। लड़कियों को खिलौना समझते हो तुम सब लोग। जब चाहे खेल लिया, जब चाहे छोड़ दिया। तुम जैसे असुरों की वजह से ना 3 साल की बच्ची यहाँ पे सुरक्षित है, ना 60 साल की बूढ़ी। मारो। किसी भी बहन बेटी के साथ रेप करते वक्त तुम जैसे शैतानों को यह समझ में क्यों नहीं आता कि तुम्हारे घर में भी माँ बहन है? आज के बाद इस देश में कभी भी कोई रेप नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे शैतानों को, तुम जैसे असुरों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा। अगर सभी के सभी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करने लगे तो यहां पर कभी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। जैसी करनी वैसी भरनी। बहनों, भैया, रो मत बहनों। मैंने इन दरिंदों को मार दिया है मैंने उन असुरों को। भैया, आपने तो उन लोगों को मार दिया, पर मुझे एक बात बताइए, क्या अब मैं किसी के घर की इज्जत बन पाऊंगी? क्या मेरी भी शादी होगी? क्या अब मेरा भी परिवार होगा? क्या ये समाज मुझे अपनाएगा? अरे पगली, तो कैसी बात करती है। गंगा कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती।
गंगा हमेशा पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र ही रहेगी। और कोई भी पापी, कोई भी भेड़िया गंगा को अपवित्र कर ही नहीं सकता। सब ठीक हो जाएगा बहन। भैया, विकास कहाँ है? भैया, भैया विकास कहाँ है? भैया, भैया मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। भैया जवाब दीजिए, आपकी खामोशी। भैया विकास, जय हिंद बाबूजी। जय हिंद। ये लीजिए अपने जमीन के कागजात। बस इतना समझ लीजिए कि आपके बेटे की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। मेरा दिल ये कहता है कि तेरी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। जी बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। तो जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम लंबी सी लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। भैया लॉन्ग ड्राइव लंबी ही होती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था, मैं, तू और चित्रा, तीनों। चित्रा, लगता पुराने दिन वापस आ गए। शैतान का नाम लिया, उसी का फोन आ गया। लाओ मेरी बात कराओ। हेलो। हेलो वेलो कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मेरे भैया से शादी ही करनी होगी। और हाँ, बहुत हो गया, मेरे भैया जैसे भी हैं, लड़ाकू हैं, गुस्सेल हैं, जैसे भी हैं, लेकिन अब तुम्हें ही उन्हें पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। अरे ठीक है महारानी जी। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैं अभी घर ही आ रही थी। अच्छा ठीक है। तुम्हें क्या लगता है चित्रा, अब हमें क्या करना चाहिए? नैना की कही हुई बात को सच। मतलब? मतलब कि अब हमें शादी करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? एक किस्ती देनी पड़ेगी। किसका फोन बज गया? एक सेकेंड। हेलो। ए बच्चे, मेरे भाई और भतीजे को मारकर कहाँ छुपा बैठा है? कौन? तेरा बाप भैरवनाथ। ए चाचा, शायद तू भूल गया है, जहाँ तू आना चाहता वो इलाका किसका है। और एक बात ध्यान रखना, सोने के जेवर और सूर्य के तेवर हर किसी को शूट नहीं होते। वाली कार में 140 की रफ्तार पे तू भी हो गर साथ में कति हो जागा जुलम। छल्लों वाली कार में 140 की रफ्तार पे तू भी हो गर साथ में कति हो जागा जुलम। मन सिंपल से तू रेवण दे ओ सैया दीवाने। मन सिंपल से तू रेवण दे ओ सैया दीवाने।